जो जगह है वो काफ़ी फेमस है गबिया का, और एक टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है, क्योंकि गोरुडिब्बा जाने के लिए नाव के ऊपर गाड़ी ट्रक्स वगैरह चढ़ा के उस तरफ जाना पड़ता है। तो हम आज जाएंगे गोरुडिब्बा और गोरुडिब्बा का पूरा एक ब्लॉग शूट करेंगे। तो अभी हम घर से निकल रहे हैं और ये हम जो निकल रहे हैं ये गबिया है, गबिया से हम सीधा गोरुडिब्बा जाएंगे। तो दोस्तों गबिया में एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे आसपास पेट्रोल पंप नहीं है, अगर पेट्रोल भरवाना होता है तो इस तरह के दुकान से भरवाना पड़ता है। गोरुडिब्बा जाने के लिए इस तरह से हमें नाव पे बाइक्स वगैरह लेके पार होना है उस तरफ पार होने के बाद जाके हम गोरुडिब्बा पहुंचेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नाव की तरफ। और इसमें सिर्फ बाइक्स नहीं, ट्रैक्टर्स भी पार किया जाता है। तो इस नाव में 3 बाइक्स है, 1 साइकिल है और इतने सारे सवारी। दूर दूर तक पानी ही पानी है। तो गाइस हम लोगों ने नदी पार कर लिया है, अब बाइक्स वगैरह उतारे जा रहे हैं। दूर दूर तक रेत ही रेत है। अभी थोड़ा सा कम हो गया रेत, पीछे काफी ज्यादा था तो बाइक चल ही नहीं पा रही थी। ये जो पीछे का इलाका आप देख रहे हो ये पूरा पानी से डूब जाता है जब बारिश का टाइम आता है। अभी कुछ दिनों में ये जगह डूबने वाली है पूरा का पूरा, जहाँ से अभी हम गाड़ी चला रहे हैं ये पूरा जगह पूरा पानी के नीचे होता है। तो दोस्तों इस इलाके में हाथियों का अटैक बहुत होता है, जो ये झोपड़ी वगैरह आप देख रहे हो बीच बीच में हाथी वगैरह का झुंड आता है और पूरा झोपड़ी वगैरह तोड़ ताड़ के यहाँ से चले जाते हैं। सिर्फ हाथी का नहीं, दूसरे जानवर जैसे लेपर्ड हो गया, लायन हो गया, बहुत सारे जानवर का यहाँ पे अटैक होता रहता है दिन। तो दोस्तों हम लोग अभी लंच कर रहे हैं, लंच करने के बाद यहाँ पे आसपास का जो एरिया होगा वो हम कवर करने जाएंगे। दोस्तों जिस रोड पे मैं अभी खड़ा हूँ ये रोड नेपाल के लिए जाती है, वो सामने नेपाल है, वो सामने जो आप देख रहे हो जंगल टाइप वो उस तरफ वो नेपाल का बॉर्डर है। तो ये बॉर्डर एरिया पड़ता है और यहाँ पे कुछ सुविधा नहीं, कोई स्कूल नहीं है, बच्चों को पढ़ने वढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि नदी पार होके हम लोग आए हैं वो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा इनकी मदद कर दे, वैसे तो इन लोगों का घर वगैरह आप देख सकते हैं कैसे कच्चे मकान है सबके पास। We'll be right back.
यहाँ पे हर एक फैमिली के पास इतना छोटा एक बोर्ड होगा ही, हर एक फैमिली के पास, ताकि अगर बाढ़ बाढ़ आए तो इसको कैरी करके, इसको ये इतना भारी है, 15 से 20 किलो है, इसको सर पे उठा के भी कहीं भी ले जा सकता है बंदा। जितने भी आ रहे हैं ये सारे नेपाली हैं, नेपाल से आ रहे हैं ये लोग। ये हाथी का पैर है, हाथी आई बार दाई सिलो ना, ये एक पड़ा नहीं सिलो है ना, नेपाल से आए ना। पानी पीने दो, थोड़ा पानी पी। हाँ पीलो, पानी पीलो। ये देखो इस बंदे के पैर में लगा हुआ था ये, कितना खून पी रखा है इसने। इसका साला खून भी निकालता हूँ फिर के। अरे बाबा कितना खाया, देखो यार आपका है मेरा ये फिर डर नहीं लगता है। अरे अपना खून देखो, हाथ में देखो। तो दोस्तों अभी हम ये पुल पार करने वाले हैं। यहाँ पे पार होने के लिए नाव और पुल के अलावा कुछ नहीं है। जाते टाइम तो हम इस तरफ आ गए थे नाव से, बट अब इधर से जब हम वापस जा रहे हैं तो वो नाव उस तरफ पहुँच गया है, तो हमें इस पुल के सहारे उस तरफ जाना पड़ रहा है। किसी भी क्वारी या सजेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप डायरेक्ट मुझसे बात कर पाएंगे। और ये पुल ज़्यादा मजबूत नहीं है तो धीरे धीरे जाना पड़ेगा। ये हाथी का अटैक हुआ था, तो हाथी का अटैक देख लीजिए कितना खतरनाक, पूरा घर तोड़ दिया। हम यहाँ पे आए थे इंडिया नेपाल बॉर्डर घूमने के लिए, वहाँ पे बहुत कुछ देखने लायक था, बट ये है कि अभी वहाँ पे जाना अलाउ नहीं है तो हम जा नहीं पाए। तो आप लोगों को बस वीडियो में इतना ही कुछ देखने को मिलेगा जितना कुछ अभी तक आप लोगों ने देखा है, बाकी नेक्स्ट टाइम कभी दिखाएंगे आपको। अभी बारिश का टाइम आने ही वाला है तो नज़ारा पूरा बदल जाएगा। अभी तो थोड़ी दूर हमने नाव से पार किया, उस टाइम क्या होता है पूरा ऊपर जहाँ से हमने बोटिंग स्टार्ट किया था वहाँ से लेकर यहाँ तक नाव आती है, तो उस समय ये भी होता है जब नाव चलता है तो हिलता भी है लहर के साथ साथ, तो बहुत रिस्की भी हो जाता है धान के टाइम पे। बहुत लोगों के जाने भी गई हैं इस पार से उस पार जाते हुए। तो टू व्हीलर से आइएगा, फोर व्हीलर आप लेके आ नहीं पाएंगे, कोई पुल वगैरह नहीं है। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।